very good morning friends i'm once again with you with a very important topic we are going to discuss top most mcqs on job rechaser which is going to be very useful for gic lectureship that you are going to take on 19th of september so without making any delay let's get started but before that these mcqs will not only help in gic lectureship but if you are expecting to crack net like exam then too you can go through these questions and lt grade questions and all the exams if you are looking forward to cracking even junior added a junior added

तो किस क्रिटिक ने किस पोइट ने इनको क्या कहा ये ध्यान रखना जैसे ड्राइडन ने इनको द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा और जी के चेस्टरटोन ने इनको कहा कि यदि चौसर जो है फादर ऑफ़ इंग्लिश पोइट्री हैं तो ग्रैंड फादर इंग्लिश नॉवल हैं मतलब इफ़ चौसर इज द फादर ऑफ़ इंग्लिश पोइट्री इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल इस तरीके से ड्राइडन ने इनके करेक्टर्स के बारे में यह कहा कि हियर इज गॉड स्पलेंटी और जो है तम एक स्पेंसर ने इनको कहा है द वेल ऑफ अनडिफाइल्ड ये ध्यान रखना है स्पेंसर ने इनको द वेल ऑफ वेल ऑफ अनडिफाइल्ड का है ये ध्यान रखना है ठीक है तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है हु कॉल चार द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा एडवर्ड एल्बर्ट इन विच ऑफ चासर अ फादर किल्स अ डॉटर इन विच टेल ऑफ चासर अ फादर किल्स अ डॉटर चासर के किस टेल में एक फादर जो है अपनी बेटी को मार देता है तो और ये थोड़ा सा शेक्सपियर के एक न, उससे भी प्रभावित है आप बताइएगा अभी आएगा सवाल मैंने बनाया है तो इन विस टेल ऑफ चासर अ फादर किल्स इज अ फादर किल्स हिज डार्टर होना चाहिए हर डाटर थोड़ी ना होगा हिज डार्टर अ फादर किल्स इज टाटर एंड इट इज फिजिशियंस टेल कौन सा टेल है द फिजिशियंस टेल में ऐसा है ये प्रकरण आता है मंग सेल पार्सन टेल मेलिब्बी टेल पार्सल पार्सन स्टेल और टेल ऑफ मेलिब्बी दोनों क्या है प्रोज में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आप और चासर को तमाम बातें कही जाती है वर्जीनियस एंड वर्जीनिया आर फादर एंड डाटर इन स्टेल ऑफ चासर वर्जीनियस और फादर का नाम है वर्जीनिया बेटी का नाम है किस चासर के किस स्टेल में आता है फिजिशियन स्टेल द फ्रायर स्टेल स्क्वायर स्टेल नाइस स्टेल तो वर्जीनियस और वर्जीनिया जो है वो फिजिशियन स्टेल में ही है आपको पता है और नेक्स्ट देखते हैं विच कैरेक्टर्स विच विथ शेक्सपियर्स कैरेक्टर विथ शेक्सपियरियन कैरेक्टर होना चाहिए विथ शेक्सपीरियन कैरेक्टर होना चाहिए यहाँ पर मान लो वो टाइप करने वाले ने क्वेश्चन को गलत टाइप किया विथ शेक्सपीरियन कैरेक्टर लाइक इन हिमसेव टू चासेरियन कैरेक्टर वर्जीनियस कौन सा शेक्सपीरियन कैरेक्टर है जो अपने आप को चासर के कैरेक्टर वर्जीनियस से समानता ढूंढता है एंड पेज होमिस टू द फिजिक टू द फिजिशियन टेल और फिजिशियन टेल को श्रद्धांजलि भी देता है तो आपको पता है है नहीं प्रॉस्पेरो है नहीं नहींजियस है नहीं इट इज़ टाइटस एंटोनिकस टाइटस एंड्रोनिकस दिस इज़ टाइटस एंड्रोनिकस मीन इट हैज़ वेरी सिमिलैरिटी अगर आप देखें और बैचे जो स्टार्ट हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो थंबनेल पे जो नंबर है उसी पे कांटेक्ट करिए पर्सनली यूट्यूब पे या मेरे पास लिखने से कोई मतलब नहीं है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हाव कैसे ज्वाइन करना है क्या प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस उसमें आप फोन करोगे या मैसेज करोगे तो रिप्लाई कर दिया जाएगा कभी कभी रिप्लाई करने में देर होता है उसका एक कारण होता है कि आदमी बिजी रहता है ऐसा नहीं है हाँ हम हमें कम बच्चे चाहिए लेकिन जो चाहिए वो सिंसियर बच्चे चाहिए अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर सिंसियर एंड यू आर यू हैव गर्डेड योर लॉइंस तो जस्ट टू तो गेट रेडी फॉर अ समथिंग हरकोलियन तो आप तैयार हो जाइए आप जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एल्टी ग्रेड के बैचित चालू हैं ऐसा कुछ नहीं है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो थमनेल जो अभी इस पर इस वीडियो का थमनेल जो होगा उस पर नंबर भी दिया है एक व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर वो रिसीव नहीं होता है तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से उस पर मैसेज डाल सकते हैं मैसेज अगर नहीं रिप्लाई होता है लगभग दो तीन घंटे बाद फिर आप दोबारा मैसेज डाल सकते हैं वो रिप्लाई हो जाए क्योंकि जैसे आपने मैसेज किया उसके बाद किसी और ने कर दिया तो मैसेज आपका दब जाता है आपका नंबर तो सेम नहीं रहता तो इसलिए वो रिप्लाई होने में दिक्कत हो जाती है और बाकी रेस्टिज योर चॉइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जुड़िए बट अगर आप टाइमली जुड़ेंगे तो डेफिनेटली शायद रिजल्ट कुछ अच्छा हो बाकी जब जब भी किसी से भी जुड़िए तो टाइमली जुड़िए मेरे कहने का मतलब ये है और मेरे पास पर्सनली कुछ मैसेज करने का यूट्यूब पे लिखने का कोई मतलब नहीं है आपको पास नंबर दिया है आप पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ सिंबल बना है नंबर है आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये कैसे करें सर क्या करें सर किससे करें ये सब कहने की क्या, पूछने की क्या जरूरत तो है लिखा है या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या तो आप इस तरीके की मतलब अनजान बन रहे हैं तो आप थम नेल पर नंबर है उसी पर कॉन्टेक्ट करिए उसी पर रिप्लाई होगा नहीं तो नहीं होगा बाकी आपकी मर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट टेल फ्रॉम चासर्स द टेल का पहला टेल कौन सा है तो आप पार्टनर पार्टनर्स नाइट स्टेल पार्सन स्टेल द मंग स्टेल तो ये जो है फर्स्ट टेल इज द नाइट स्टेल जो है वो पहला टेल है चासर का ये पहला टेल है इन हाउ मेनी नेक्स्ट क्या है इन हाउ मेनी हैज क्रुसेट्स नाइट टेक इन पार्ट इन द नाइट स्टेल नाइट स्टेल में जो लगभग कितने धर्मयुद्ध में कितने धर्मयुद्ध में नाइट्स ने भाग लिया है तो और ये नाइट स्टेल पहला टेल जो है जैसे यहाँ पर सवाल है जो नाइट स्टेल है कैंटरबरी टेल ये पहला टेल है और सबसे बड़ी बात है लॉन्गेस्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल भी है तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है आपको 40 क्वेश्चन कहने के 40-50 मिल रहे हैं लेकिन इसमें 50-60 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे ठीक है ये फर्स्ट टेल और लॉन्गेस्ट टेल दोनों है इन हाउ मेनी क्रूसेड्स हैज द नाइट टेकन पार्ट इन द नाइट स्टेल नाइट स्टेल में कितने क्रशेट्स में भाग लिया है लगभग फिफ्टीन में भाग लिया है वो द नाइट एंड द स्क्र आर सिबलिंग्स फादर एंड सन रेस्पेक्टिवली सन एंड फादर रेस्पेक्टिवली ट्वींस तो नाइट और टेल में जो रिलेशन नाइट नाइट्स और, नाइट और स्क्वेयर में जो रिलेशन है वो फादर और सन का है ठीक है द फर्स्ट मूवर स्पीच अपियर्स इन हुए फर्स्ट मूवर स्पीच कहाँ पर आता है किसके स्कोर स्टेल नाइट स्टेल मंग स्टेल पार्सन स्टेल इट कम्स इन द नाइट स्टेल ठीक है फर्स्ट मूवर स्पीच कम्स इन द नाइट स्टेल पैलमन एंड अरसाइट आर टू थीवियन मतलब थीवन वॉरियर इन हुटेल ऑफ चासर चासर की किस स्टेल में ये जो है मतलब दो एथेंस के दो वॉरियर का वर्णन आता है और ये है द नाइस स्टेल इट इज इन नाइट स्टेल ठीक है जिसमें हर मर भी जाता है लास्ट में ही वाज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे हु हैज बीन रेफर्ड टू इन द प्रोलॉग तो ये स्क्वायर के लिए इस्तेमाल हुआ स्क्वायर के लिए जो मतलब बीस साल का यंग बॉय रहता है आप कह सकते हैं ही वॉज एज फ्रेश एज मंथ ऑफ मे द आइडिया ऑफ कैंटरबरी टेल्स हैज कैंटरप्रेटरी टेकिन फ्रॉम जो आइडिया है या इन्फ्लुंस की बात करेंगी तो किससे है बोकेसियस डी कैमरून और डी है मार्टडम ऑफ बेकेट तो मार्टडम ऑफ बेकेट से मतलब नहीं है ये टॉमस बेकेट की यात्रा पे वो पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं कैंटरबरी नाम के प्लेस पे तो ये क्या है बोकेशियोज डी कैमरून तो उसी पे पर जैसे उसमें भी हंड्रेड स्टोरीज हैं तो इसमें भी क्या कहते हैं उसी से इंस्पायर्ड है आप कह सकते हैं विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स अगर फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स की बात करें तो हम सीधा सीधा कहेंगे फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स इज ट्राइल एंड क्रिसीड ट्रायलस एंड क्रिशीड जो है ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स आप कह सकते हैं विच करेक्टर इन द प्लॉग लिव्स बाई द मोटो इफ गोल्ड रस्ट वॉट एल आयरन डू या वॉट उड आयरन डू ये सोने में जंग लगेगा तो लोहे का क्या होगा तो ये जो है बहुत ही सबसे जिसकी कहानी प्रोज में है पार्सन कहता है पार्सन इस मोटिव से जीता है कि मतलब कम से कम हमारा जो काम है जो उसको मतलब एकदम ऑनेस्टली किया जाए तो गोल्ड रस्ट वर्स सेल आयरन डू वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन इन वॉट जार द नी स्टील नी स्टील इज रिटेन किस जार में लिखा गया है नी स्टील बीस फेबल एलिगरी एपिक अबीस फेबल एंड मॉके पिक बीस फेवल तो है लेकिन वो मॉकेपिक में भी है तो हम कहेंगे नन स्पीस टेल जो है इज रिटन इन अस फेवल एंड मॉक एपिक बोथ राइट हु ट्रांसफॉर्म द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट इंटू फुल फ्लेस्ड लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड अब तो आप कह सकते हैं ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का इन्होंने इस्तेमाल किया उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया पूरा कौन कर सकता है चासर ने किया है ठीक है इट हैज बीन डन बाई चासर चासर फॉन्ड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लिफ्ट इट लैंग्वेज किसने कहा कि चासर ने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में पाया और इसे एक भाषा के रूप में छोड़ दिया ऐसा किसने कहा ऐसा कहने का श्रेय जो है किसको जाता है ये जाता है लॉवेल को लॉवेल ने ऐसा कहा ठीक है एक क्रिटिक्स की ओपिनियन भी हु अ फैट रोस्टेड स्वान इन कैंटरबरी टेल्स में कौन सा कैरेक्टर है जो एकदम फैट मतलब रोस्टेड स्वान खाना पसंद करता है तो मंक नाइट स्क्वायर एंड फ्रायर तो ये जो है मंक है भाई मंक राइडिंग पसंद करता है फैट स्वान खाना पसंद करता है इस तरीके से रोस्टेड स्वान उसमें लिखा है हु वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड हार्स राइडिंग तो कौन था हार्स राइडिंग और हंटिंग का वो तो आपको पता ही हो गया अभी पहले ही बता दिया तो इट इज़ मंक जो मंक है वो क्या करता है मतलब ही वॉज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड हार्स राइडिंग टू द वाइफ ऑफ बॉथ वॉज बाई ट्रेड बाई ट्रेड वो क्या थी सर वुमन थी वा, क्लेर वाइंड थी वार्डन ऑफ हॉस्टल थी वो सीमस्टेस थी बाई प्रोफेशन सी वॉज एक फिजिकल एलिमेंट था, क्या था? Lame थी, लंगड़ी थी गी थी बहरी थी क्लब फुटेड थी तो वो डेफ थी क्या थी बहरी थी डेफनेस की शिकार थी वो हुट अजल साउंड इन द कैंटरबरी टेल्स कौन नाक के बल से बोलती थी कैंटरबरी टेल्स में तो वाइफ ऑफ बाथ तो बोलती नहीं थी मंक और मलिप भी अब मैंने पहले ही बोल दिया है तो बोलती थी तो फीमेल हो गया तो दो ही फीमेल कैरेक्टर ही हैं वाइफ ऑफ बात और आप कह सकते हैं प्रायरिस तो हो गया यही हो गया हमारा प्रायरिस ये प्रायरिस को ये समस्या रहे ठीक है समस्या क्या वो अच्छा माना जाता था हुस अ ब्रूच इंस्क्राइब अमर विंच टोमनिया लव कॉन्कर्स ऑल कौन एक ब्रूच पहनती है जिसमें लिखा रहता है अमर एमर विंच टोमनिया जिसका मतलब लव कॉन्कर्स ऑल होता है कौन पहने रहता है ये ब्रूच तो आप कह सकते हैं प्रायरिस ही पहने रहती है ठीक है हुजाइस वॉज मेरियर देन द ऑर्गन गे तो आर्गन गे या से ज़्यादा किसकी आवाज खूबसूरत है ये जो नॉन स्पेस टेल में है एक कॉक है जिसका नाम चेंटी क्लियर है तो ये कॉक कार्ड चेंटी क्लियर आर इन प्रोज किसके टेल प्रोज में टेल ऑफ मिलिबी पार्सन स्टेल दोनों का ए और बी दोनों का टेल प्रोज में है हाउ मेनी बीमिन कैरेक्टर्स फिगर इन द्लॉग प्रलॉग में कितनी महिलाएँ uh, विमेन करेक्टर्स हैं तो दो महिलाएं प्रायरस और आप कह सकते हैं वाइफ ऑफ बाथ वाइफ ऑफ बात वॉज वेरी स्कैंडल पॉपुलर फॉर हर स्कैंडल स्कैंडलिटी शी वॉज वेरी स्कैंड स्कैंडलस इन नेचर पाँच हस्बैंड थे आखिरी हस्बैंड का नाम बता दीजिए उसके पाँचों हस्बैंड का ये पूछ सकता पूछेगा नहीं फिलहाल बहुत पूछ दी वट इज द नेम ऑफ द इन वेयर पिलग्रम्स असेंबल्ड फॉर द नाइट जो पिलग्रम्स असेंबल्ड होते हैं नाइट के लिए तो उस इनका उस पर अठारह मुशाफिर खाने का नाम क्या है टैवर्ड इन और टोटल नंबर ऑफ जो पिलग्रम्स हैं जो मेंशन किए जाते हैं जनरल प्राग में ट्वेंटी नाइन है ये बात सही है लेकिन अगर नरेटर ज्वाइन कर लेगा तो तीस हो जाएंगे और नरेटर ज्वाइन करने के बाद जो इनका वो होता है होस्ट हैरी वेली भी ज्वाइन कर लेता है तो वो भी एक हो जाता है और सबसे लास्ट में क्या होता है कैनन का यूमैन भी ज्वाइन करता है तो टोटल तो थर्टी टू हो जाते हैं अगर ऑप्शन में थर्टी टू रहेगा तो आप थर्टी टू मारिएगा नहीं तो आप अगर ये पूछे कि, कि कितने मैंसन किए गए हैं जनरल प्रोग में तो जनरल प्रॉग में केवल ट्वेंटी नाइन मैंसन किए गए लेकिन क्योंकि नेरेटर भी तो ग्रुप को ज्वाइन करता है नरेटर ज्वाइंस द ग्रुप तो थर्टी हो जाता है बाद में इनका जो होस्ट रहता है हैरी वेली वो भी ज्वाइन करता है तो थर्टी वन हो जाता है सबसे लास्ट में जो कैनन का यूमैन रहता है जो अपनी पोजीशन से हैप्पी नहीं रहता वो क्या करता है वो भी ज्वाइन कर लेता है तो थर्टी हो जाते हैं ये ध्यान रखने की बात है हु इंट्रोड्यूस राइम रॉयल को या चासेरियन स्टेंजा को किसने इस चासर ने किया इसका राइम स्कीम पूछ सकता है ए बी ए बी बी सी सी ये सात तो, लाइन का है तो ए बी ए बी बी सी सी ये राइम रॉयल का ये राइम स्कीम है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है? है? तो है रोमांस भी नहीं है पिक नहीं है फेविलाऊ है फेविलाऊ क्या होता है, है स्पेशली कॉमिक रिवाल्ट्री होती है इसमें और दरअसल इसमें यह दिखाया जाता है थोड़ा सा सेक्सुअलिटी बेमेन को कास्टिक बेमे या ऑफ सेक्सुअल एलिमेंट्स इसमें दिखाए जाते हैं और जो फ्रेंच में जो फ्रांस में ज़्यादा है इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस तो आप ये कह सकते हैं फ्रेंच ओरिजिन का है तो मिलर स्टेल और रीप uh, स्टेल आर एग्जाम्पल ऑफ फेबिलाऊ और इसको में फेबिलाओ भी कहते हैं ठीक है तो फेबिलाऊ का एग्जाम्पल है इन द कैरेक्टर द वाइफ ऑफ बाथ बाथ क्या है बाथ एक हस्बैंड है बाथ रिवर है बाथ चर्च है बाथ टाउन है बाथ एक टाउन का नाम है हालांकि इसका असली नाम पहला नाम एलिजन है हु टेल्स द स्टोरी ऑफ जनवरी एंड मे इन द कैंटरबरी टेल्स जो कैंटरबरी टेल्स में जनवरी और मे की स्टोरी कौन बताता है तो ये, ये द मर्चेंट बताता है ठीक है विच कैरेक्टर हैज़ रेड बियर्ड एंड हैज़ अ वार्ट ऑन हिज नोज इन कैंटरबरी टेल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसकी मतलब लाल दाढ़ी है और एक नाक पर उससे एक बालों से ढका हुआ क्या है एक मसा है जिसको आप कह सकते हैं तो वो कैरेक्टर कौन सा है तो आपको बताना है दैट इज मिलर दैट इज मिलर द यू मैन यूज टू वीअर अ कोट ऑफ विच कलर द यू मैन जो है वो किस रंग की कोट पहने करता था एक हुड ग्रीन हुड वाला कोट पहनता है तो ग्रीन हुड का कोट पहनता character है वो हु गेंस नो जवाई फ्रॉम इज करेंट वर्क एंड इज एन अनहेप्पी करेक्टर जो मिजरेबल करेक्टर है वो यूमैन ही है उसे अपनी प्रजेंट सिचुएसन से कोई कुछ नहीं लेना देना है बहुत दुखी है विस टेल इज़ द फर्स्ट फ्रेगमेंट सीम्स टू बी अनफिनिश्ड पहले फ्रेगमेंट में कौन सा टेल ऐसा लगता है कि अनफिनिश्ड है रिप स्टेल मिलर स्टेल द कुक स्टेल इट इज द कुक स्टेल ठीक है स्टोरी विच टेल्स द स्टोरी ऑफ सिम मिलर की कहानी कौन बताता है तो ये वट इज द नेम ऑफ द कार्पेंटर इन मिलर स्टेल में कार्पेंटर का नाम क्या है मिलर स्टेल में कारपेंटर का नाम जॉन है मिलर एफ सोलन सब वाइफ ऑफ बात से प्रेम करते थे वो कह सकते तो उनके हुई आउट वाटर बिकॉज दे ब्रांडेड विद आयरन तो ये निकोलस कहता है सर ठीक है वट इज द जानर ऑफ टेल्स विच बिलोंग टू अभी फेबलू बताए मिलर्स और रीफ कटोल दोनों फैबलाओ में आ जाता है मॉडर्निस्ट नरेटिव नहीं है प्रोज पोएम नहीं है हु डाइज एट द एंड ऑफ द नाइट स्टेल अर साइट मर जाता है ये तो बता ही दिया शुरू में मैंने ठीक है वाइफ ऑफ बाथ फर्स्ट नेम इज एलिजन वाइफ ऑफ बाद का पहला नाम जो है एलिजन है ठीक है सीजेंट गिव एन अ फर्स्ट नेम वो तो ऑप्शन बता रहा है तो ये चालीस क्वेश्चन आप पे एम सी क्यूज हैं और आप इसको देख सकते हैं यहाँ से सवाल बन सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जैसे जो सबसे पहले इन्होंने हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया कहाँ लेजेंड ऑफ गुड विमेन में इस्तेमाल किया तीन लोगों के बीच शासन किए वो आपको एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ के टेनेर में शासन किए और जो डब्ल्यू चे लॉन्ग ने कैंटरबरी ट्रेल्स प्रॉक टू कैंटरबरी टेल्स को प्रोलॉग तो टू मॉडर्न फिक्शन कहा है और बाकी डब्ल्यू एच की जो किताब है वो कहती है कि ये ये मतलब चासर इज वाज नो सेंस अ पोइट ऑफ पीपल ये पोएट ऑफ कोर्ट थे तो इस तरीके की चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच और ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे थैंक यू